हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे जावा लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर जो कि इंटरव्यू और एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब कि इस टॉपिक पे कितनी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके पहले मैंने कई वीडियो बना चुका है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अलग अलग टॉपिक वीडियो है। यह हमारा जो टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है, विच ऑफ दीज हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस, मतलब इसमें कौन है जो का हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। यहाँ देख रहे हैं कि प्लस प्लस फिर स्टार फिर हमारे शिफ्ट हो, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होता है उसमें। तो इसमें बताना है कौन होना है। हमारा जो ए होता है, ए है जो ये अब देख रहे हैं ब्रैकेट देख रहे हैं, इसमें जो हमारा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, इसका जो प्रेसिडेंस होता है बहुत हाई होता है, ठीक है, सबसे हाईस्ट यही होता है। अब यहाँ क्रम भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे कि ए जो है सबसे बड़ा है, फिर बी में सबसे हाईस्ट है, फिर हमारा सी है, फिर डी है, मतलब अगर ये आ रहा है क्वेश्चन में तो सबसे प्रेसिडेंस हम इसी को देंगे, ठीक है। और फिर हमारा होता है दूसरा होता है हमारा, व्हाट वुड बी एक्सप्रेशन वन इवेल्युएट टू इन यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर एज इन दिस लाइन। अगर टर्नरी ऑपरेटर में अगर हमको एक्सप्रेशन यूज करना हो तो क्या तरीका होता है। पहला तरीका होता है एक्सप्रेशन वन, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन टू, फिर कोलन होता है, फिर एक्सप्रेशन थ्री होता है, फिर इधर आगे बढ़ाते रहते हैं। तो यह तरीका होता है इसमें। और बताना है यहाँ पे कि कौन सा हमारा यहाँ पे सही होने वाला है, ए इंटीजर, बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, सी बुलियन और नॉन ऑफ द मेंशन, मतलब इसका आउटपुट या क्या होगा, इसका मतलब अलर्ट कैसे करेंगे। तो हमारा यहाँ पे बुलियन मिलता है, ठीक है, बुलियन में ही बताता है कि क्या आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू स्टोर्ड इन एक्स इन फॉलोइंग लाइन्स ऑफ जावा कोड। इसमें जो एक्स है, एक्स में जो कौन सा वैल्यू स्टोर होगा यहाँ पे बताना है आपको। एक्स देखो जीरो है, फिर वन है, फिर एक्स में वाई है, फिर जेड है, इक्वल टू एट है। अब बताना है इसका आंसर क्या आने वाला है। यहाँ आप देख रहे हैं एक्स में चूंकि एट है, एक्स में पहले तो जीरो है, सिंपल पहले जीरो है, और बाद में क्या किया वाई जेड एट सबको बराबर कर दिया गया है। तो बताना है यहाँ पे यह है कि क्या आने वाला है, ए जीरो है, बी वन है, सी नाइन है और डी एट है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वह एट ही होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड सबके सब क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हमारा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मैंने हाई से लो बताना है आपको, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब हाई से लो बताना है क्या कौन सा है। पहला यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा होता है एम परसेंट, फिर ये, फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का कॉलन, और बताना है यहाँ पे कि कौन सा आउटपुट होने वाला है, पहला एक दो तीन, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा इस तरह से आगे मतलब है, या फिर दूसरा पहला तीसरा, या फिर तीसरा दूसरा पहला, या फिर दूसरा तीसरा पहला। हमारा जो पहला वाला ही सही है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसी को देंगे हम, उसके बाद इसको देंगे, उसके बाद इसको देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, विच ऑफ दीज आप स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा इसमें है जो सब मतलब गलत है, बाकी सब सही है लेकिन इसमें कोई ना कोई है जो कि गलत है। इक्वल टू ऑपरेटर हैज लीस्ट प्रेसिडेंस, मतलब इक्वल टू ऑपरेटर सबसे कम प्रेसिडेंस का होता है, ये सही है। ब्रैकेट हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस, ये तो सही है। डिविजन ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस देयर मल्टीपल ऑपरेटर, नहीं गलत है, यही वाला क्या है इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ, हम बताने यहाँ पे कोड दिया है, देखिए इस कोड का बताना आउटपुट क्या आने वाला है। पहले नंबर ध्यान दीजिए कि इसका जो क्लास है, क्लास का नाम है ऑपरेटर्स, ठीक है, और क्लास क्या होना ऑपरेटर्स है। उसके बाद आप देखिए वेरिएबल वन में है, फाइव है, फिर टू है, फिर सिक्स है, फिर हमारा वेर थ्री है, और इसमें क्या किया है इंक्रीमेंट करके यहाँ पे देख रहे हैं वेर वन बाई वेर टू प्लस वेर थ्री टू किया गया है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या किया पेस्ट कर दिया गया, डाल दिया गया इसमें। बताना है इसका आउटपुट क्या आने वाला था। हमारा छठवां क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए, ए दस दिया है, बी ग्यारह दिया है, सी बारह दिया है, डी छप्पन दिया है। हमारे यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका बारह आने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे कि जो हमारा आठवां सातवां नंबर क्वेश्चन है वो यह है यहाँ पे कि एक ऑपरेटर नंबर क्लास है, इसका बताना आउटपुट क्या नंबर एक्स में क्या है एट है, और क्या किया पहले इंक्रीमेंट करके यहाँ पर तीन से मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर एक्स को प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। बताना है इसमें क्या आंसर, पहले तो नंबर इसका तो आउटपुट एक्स यहाँ पर आठ आने वाला है, मगर इसका क्या आने वाला है इसमें, ये बताना है आपको। तो देखिए हमारा जो डी आने वाला है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चूंकि एक बार बढ़ जाएगा, ठीक है, आठ तरीके चौबीस दिन क्या हो या सत्ताईस, ये एक बार बढ़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आंसर आने वाला है इसका, तो सत्ताईस और नौ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सत्ताईस और नौ हो जाएगा, आठ तरीके चौबीस और प्लस तीन सत्ताईस हो जाएगा यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे सत्ताईस नौ होगा, फिर यहाँ बताना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है इस कोड का। तो आउटपुट नाम का हमारा क्लास बना हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों को क्या किया है बीस के बराबर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर चार चीज़ें हैं, कंपाइल एंड रन, फाइन बेस फिर रन टाइम एरर, फिर कंपाइल टाइम एरर, तो बताना है यहाँ पे। तो हमारे जब इसको रन करेंगे एक्स वाई जेड तीनों में आपने बीस को भर दिया है तो आपको आपको एरर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूछा है कि नवा क्वेश्चन हमारा यह है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे देखिए ए में यहाँ पे फोर प्लस ए से करके दे दिया है क्वेश्चन एक यहाँ पे, ठीक है। और बताना है बेटर परफॉर्मेंस क्या, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है,
One will give better performance at least no parenthesis. Two will give better performance in hash parenthesis. तो यहाँ पर हमारा जो सी होगा वह सही होगा, पहला दूसरा दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दसवां, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। आउटपुट नंबर क्लास है, फिर यहाँ ए बी सी डी दे दिया है, ए बी सी डी को बराबर कर दिया गया और ए प्लस बी प्लस सी डी इसे क्वेश्चन दिया कि इसको हल करना है, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर आने वाला ए में 20, बी में 0 और सी में 20 और डी में आपका 1 आएगा। इसको आंसर हल करेंगे पता चल जाएगा। ओके, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा जो टॉपिक था वो हमारा किस पे था, वो हमारा था असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंट फी।